जैन दोस्तों। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात, सोए 6 बजे, उठ गए 9 बजे, नींद ही कंप्लीट नहीं है, क्योंकि क्या ही बोले, आज का दिन है हमारा मालवन में तीसरा। अभी जा रहे हैं हम स्कूबा करने, तो आज का ब्लॉग शायद से बस स्कूबा तक ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद जाएंगे हम गोवा, और गोवा में जाने के बाद एक अलग मोड पे चले जाते हैं हम, जो बाइक के मोड होते हैं ना, उसी तरह अलग मोड पे शिफ्ट हो जाते हैं। और इस इंसान ने ना हमको बहुत हैरान किया है कि तू मुझे हर बार का मैं ही हैरान करता हूँ तेरे पीछे रे बाबा। अच्छा। वो वाला ये परेशान किया है इसने हमको। आज तो ये स्कूबा का ही बनेगा, और डेंजर वाला स्कूबा करने जा रहे हैं, ऐसा वैसा भी नहीं। इस स्कूबा में स्विमिंग पूल है, उसमें पहली प्रैक्टिस है 2 घंटे, उसके बाद ओरिजिनल समुंदर में जाएंगे। और आपको एक पीछे का व्यू दिखाता हूँ, जिधर मैं बैठा हूँ, गाड़ी देखो और सामने देखो। रुको यार, मतलब एकदम सी फेसिंग प्रॉपर। और प्रदीप जी कुरले जी कुर्सी लाते हुए और हारे हुए, वो भी खुद को हारे हुए, बट ठीक है। को लगता रहेगा कि मैं ही कंटिन्यू फोन पे बात करता हूँ। ये देखो, देखो इसको, देखो मैं अकेला नहीं हूँ, ये पापी इंसान भी किसी से बात कर रहा है, मालूम नहीं किससे बात कर रहा है, लेकिन कॉलिंग तो चालू है। कौन है रे? फ्रेश हुआ, गाड़ी निकल लिया, अभी इधर से जा रहे हैं वो किधर, स्कूबा के लिए पहले ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग में जा रहे हैं। शैला तो बहुत एक्साइटेड है, अभी चेतन था लेकिन वो बाहर चला गया, क्योंकि उसको फुटेज देना है किसको। तो भी व्लॉग कंटिन्यू आ रहे हैं उनके, मेरे आएंगे, लेकिन मेरा टाइम जाएगा, क्योंकि मैं खुद ब खुद कर लेता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा टाइम जाएगा। देखते हैं कभी आएंगे, अभी इनके बाद ही सब सड़ा हुआ माल डालूंगा, जो बचा कुचा है मेरा वो डाल दूंगा। जुड़े रहना गाइस। चीज है, मतलब क्या है, मिक्स पूरी है, और ये श्रीमान भी मैंने खा रहे हैं, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है मिक्स पूरी खाने में। यही वो एरिया है, मतलब ये देखो, ये देखो, यही वो एरिया है जहाँ पे हमारी प्रैक्टिस होगी, इसकी स्कूबा जाने की प्रैक्टिस यहाँ एरिया पे होगी। श्रीमान भाई वगैरह सब आ चुके हैं इधर, और ये नहीं लगा, ये तो वेगा सूट है, इतना तो अभी इधर प्रैक्टिस होने के बाद काम 25 नुस्ते माशे। श्रीमान भाई यूज करने वाले, वो ऑक्सीजन में यूज करने वाला हूँ, वो कैमरा है और टेंशन नहीं। ये इतने सारे, ये क्या है, ये प्रकार है क्या, ये सब कोर्स है, और ये हमको सिखाने वाले आज कैसे डूबने वाले और कैसे नहीं। क्या मालवनी, मालवनी नहीं, नोबिता, मालवनी चा नाव पण काढू नको। राणे बघा एकदम पद्धतशीर बसलाय सोफ्यावर। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम मैं बाद में पूछूंगा। और ए चेतन होईल जो होईल सर, पाण्यात हार्ट अटॅक येऊन मरेल सर। तुम्ही आहे का? हो बोला, शेवटचा दिवस माझा। अब तेरे को मालूम है श्रीमान, मेरे को डर नहीं है, तू मेरे को क्या मतलब वॉइस कर, बोल कुछ भी बोल, मैं डेंजर है तुझे मालूम है, मैं कर सकता हूँ। बस अपने को ऑक्सीजन लगा के डूबना है मालूम है, लेकिन इतने प्रकार होते हैं ना पते से, हाँ बहुत सारे प्रकार है। मैं इसमें रखने वाला हूँ अभी मोबाइल, और फिर शूट होगा। ये सूट, ये फर्स्ट थिंग आपण एमपीटीसी रिस्टामध्ये काय करतो, तर आपण दोन गोष्टी करतो। फर्स्ट, ज्यांना स्कूबा डायव्हिंग मध्ये करिअर करायचं असेल, स्वतः डायव्हिंग शिकायचं असेल, तर त्यांच्यासाठी वेगवेगळे कोर्सेस आहेत लेवल वाईज। आणि ज्यांना फक्त स्कूबा डायव्हिंगचा अनुभव घ्यायचा, एक्सपिरियन्स घ्यायचा, म्हणजे जी फर्स्ट लेवल आहे डिस्कवर स्कूबा डायव्हिंग, जे आज आपण शिका करणार। अनदर थिंग इज, आपण जेव्हा इनहेल करतो, आपण सगळे म्हणतो की आपण ऑक्सिजनचा टँक घेऊन जातो, बट तो ऑक्सिजनचा टँक नसतो, जे नॉर्मल एअर जे आपण सराउंडिंग ब्रीथ करतो तीच असते, अराउंड 79% नायट्रोजन, 21% ऑक्सिजन असतो। जो चल रहा है ना हमारा प्रैक्टिस, मतलब हमारा क्लास, ये देखो, ये देखो हमारे
सीट इधर है और शिवा जी पीछे बैठे। क्यों शिवा सुनने और ये देखिए वो सर हमको सिखाने वाले कैसे होने वाले तो प्रैक्टिस करते सब स्विमिंग को जाने के लिए सर आए और परमिशन नो एक भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को सर। ये पर क्या बंद करो सीरियस चालू आहे का ज्याच्यात पण कॉमेडीच चालू आहे। राणेंना तर काही घेणं देणंच नाही पडलं व्हिडिओची ब्लॉग त्यांचं रिलीज झालाय ते बघताय बाकी अभी क्लास चालू आहे सर सीख रहे हम थोडं थोडं सीख मी फर्स्ट टाइम आहे पण कशा होणार यही नहीं अभी और सुनिए जा रहे हैं स्विमिंग पूल में जहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली है। वीडियो तो आपने देखा रहेगा। अभी सबसे खतरनाक होने वाला है ये कि स्विमिंग पूल ये इतने हाइट का है 25 फुट का स्विमिंग पूल है जिसमें अभी हम वो प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं अभी स्विमिंग पूल देखो अभी थोड़ा रुको छाती पड़ गई। ये देखो बाप रे 25 बहुत ही जहरीला आइटम दिख रहा है बाप। ये देखो बोट्स वगैरह ये समुद्र में जाना है। ये सूट है जहां पे हम अभी प्रैक्टिस करने वाले और मचा देने वाले। क्या दिन आ गए ये बाटले पे सांस लेना पड़ेगा। ये देखो मजेशीर है जो भी है अच्छा है और ये सब लाइफ में करना चाहिए यही है। चेतन जी किधर गए मालूम नहीं श्रीमान जी कहाँ पे गए वो भी मालूम नहीं है। ये देखो बोट्स कितनी है देखो पैकिंग है पूरी लेकिन कुछ भी बोलो डेंजर है भाई। ये देखिए मस्त भी सूट पहना है अभी मोबाइल का काम 25 होता था और ये देखो किधर मारा पानी में सुर मारा ए मैं मारता सुर ओ यस बाप रे बाप बैक फ्लिप मारते हुए पूरी फिटनेस दिखा रहे करने गए बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है सर। ओ यस नाद नहीं है फिटनेस में नाद नहीं है। ट्रेनिंग होगी दाखवतो ना की तो वन साइड भूत आहे मेरा भाई कर्ण भाई मेरा भाई मी म्हतारा नाही भाई तुला सांगू मी काय मी म्हतारा नाही अभी मी दफ्तर विवान आहे जो मेरे लिए बहुत मेहनत ले रहा आहे ना बदला आहे ना अवेंजर मधला चीट जरा फुगवले पूर्ण एकदम आहे नी गाइस मुझे अभी पानी में का डुक्कर मिला है जैसे कि आप देख सकते करो करो ये देखो पानी का डुक्कर पान डुक्कर बोलते हैं इसको हमको अभी मिला है नई प्रजाति है जिसको दाढ़ी बीड़ी आई है तो आगे क्या क्या मिलते हैं वो दिखा दूंगा। ट्राय तर करू वरच्यावर मासे आर का ना ते लांब दांडी निघते हा ठीक आहे सगळं दिसत नको नको दिसत
नाही माहिती आहे मी नेलेला त्याला नको सर फिटला जरी त्याला ठेवलं ना सायनसला त्रास होणार नाही चला आमचं सायनस हे सब दिखावा आहे और दिखावा आपको दिख रहा है मेन मेन होता है बस चार लोगों को लेके दादागिरी का ठोक कर सकते हो अरे नहीं तेरा इसका लिकेज है लिकेज किधर है अभी ना कट्टी रहो मुंह से सांस लेने का है नाक से नहीं लेने का नाक एकदम पॉइंट आउट टू इंस्ट्रक्टर लाइक दिस नॉट ओके हम लोग वहां पे ही रुकेंगे इट्स अ रिवर्स ब्लॉक वो ऑटोमेटिक जब आपको ओके पूछा जाता है ओके ऐसे ही लिखा हुआ ऐसे मत चल रहा है ओके अरे डेंजर है भाई खालती गए लो कितना प्रेशर आ रहा है 29 फीट जमीन इला डायरेक्ट टच करून आलो नाइस तू गया था नीचे एकदम हां पूर्ण खाली मैं पूरा नीचे गया था एकदम यही बोट है यही नंबर है वीआईपी अभी इधर टाइटैनिक पोज देतो बघ आणि हा बघा हाच तो खोकार बंदा जो माला घेऊन जाणार आहे खाली 40 फीट अब इसका जिंदगी अपने हाथ में तुम्हाला मारूनच येणार वाटतं जांभळं काय आता चल जांभळं घे पहिले चेतन काय वाटते बाळा हे सगळे ऑक्सिजन बाटले तुला लावायला लागतील तो ये बोट है एकंदरीत अरे अंकल चला रे एकदम खुखार चलाएंगे शायद से प्याज लगती है और ये सर ने बुलाई है हमको ये हाँ मिस्ते वेट बीट या ऑक्सीजन ये देखो मछली देखो कैसा अलग है ये देखो ये श्रीमान वो मच्छी देख कैसा है श्रीमान चला स्टार्ट गणपती अप्पा बोलिए कैप्टन है मिस्टर जयवंत बांदेकर बोट कैप्टन यस बोट चालवणार आहे त्याच्यासोबत व्हाइस कैप्टन है आमचे दत्तात्रय रेवणकर दत्ताबाई ठीक आहे प्रसिद्ध व्यायाम पोट आहे दोन वेळा सिंधुदुर्ग श्री मारला यांनी ठीक आहे त्याच्यानंतर आपल्यासोबत विवान राणे आहेत मुंबई का लड़का है बट है मालवण से प्रॉपर अभी हम लोग का डाइव मास्टर क्यूट है एकदम मरीन बादल्स भी है सब मच्छी बिच्छी का नाम ये बताएगा इसका नाम है ऋतु सॉरी देउलकर अरे ठीक है बोले मेरे को आपके आईज बहुत अरे आईज भी सबको चांगले फोटो निकाले उसके बाद ये अपना स्पेशलिटी है फोटोग्राफी में फोटोज वीडियोज ये निकालेगा अच्छा इसके बाद ये हम लोग का कार्टून है जिसका नाम है नाम ही काफी है भाई अपना तो नाम ही काफी एंटोनी गोंसाल्वेस फुल कॉमेडी है मांगता है भाई सही क्या बोलते क्या बोलते 250 HP से दोन इंजिन ओके टोटल 500 ओके फुल रेव बाहेर निघाल्यानंतर संगम बघा शब्द आहे रॉकेट आहे भाई बघा गाईज हा व्लॉग आमचा एंड शकतो पण तुम्ही बघा एंड नाही होणार आणि स्कूबाला या लोकांनी ना एवढा सपोर्ट केलाय ना एवढं भारी शिकवलंय ना आणि आता हे बघा उकळ्या बघा उकळ्या बापरे 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 जो भी मेरा कुछ डील वगैरह होता है तो मैं बीच समंदर में ही करता हूँ श्रीमान डील है तेरे को प्लाज्मा डील क्या बोल रहे हो उसके बारे में आर्टिजन डील का ना डील देने प्लाज्मा डील समंदर के मार्ग से आएगा या रन से राइट We'll be right back.
जनते मैं आपके बाप का कैसा लगा? डेंजर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो बटाई वगैरह हो गया हमारा, अभी आप जा रहे हैं परती के मार्ग पे। अभी जा रहे गोवा, मैं सर दुखने लगा डेंजर। अभी जामुन खाता है, क्या कर रहे चेतन से? जामुन की गली गली क्या सूखे यार, स्कूबा हो गया और अभी अभी फ्रेश हो गया हम लोग और जस्ट इधर आए थे तो ये सनसेट देखा, क्या दिख रहा है देखो, तबीयत खुश हो रही है एकदम अगड़। और अभी जैसे निकल रहे गोवा, तो यहाँ तक ही अपना ये स्कूबा का सफर था जो कि अभी मैं खत्म करने जा रहा हूँ। हुआ हुआ सब कुछ हुआ, घूमे आज घूमे, अभी कल बनेगा गोवा का, कल और परसों गोवा में और 24 तारीख को घर पे। लेकिन दरित अभी ये ब्लॉग आपको देख के मजा ही आया होगा क्योंकि तीन तीन चार चार लोगों ने सेम कंटेंट डाला, मतलब मैंने, राने और चेतन, त्रिमन का कुछ अलग है। तो फिर भी सपोर्ट रखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दुआ में याद रखना। लव यू रजीव कुरलेकर जी, बाय बाय बोलना, बाय 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 बाय, तुम्हें याद रखना।